हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। और क्या हाल चाल सब लोग के? आशा करता सब लोग बढ़िया हो गए, मजे में हो गए और पिंदास हो गए। तो गाइस, जैसे कि अभी गर्मा गर्म न्यूज़ निकल कर आ रही है कि पबजी जो है बैन हो चुका है इंडिया के अंदर, तो क्या इसके पीछे रियलिटी, क्या सच में पबजी बैन हो चुका है गाइस? तो इसके ऊपर सीधे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सीधा चलता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। पबजी ने गाइस, पबजी के साथ साथ 118 ऐप जो है टोटल बैन हुई है, जिसमें 117 पबजी से अलग हैं और पबजी को मिला करके 118 एप्लीकेशन हैं। तो क्या इसके पीछे रियलिटी है? तो गाइज, अभी तो जैसे पबजी गेम चल रहा है, मैं भी अभी खेल रहा था थोड़ी देर पहले, और बहुत सारे लोग जो है अभी खेल रहे होंगे, खेल पा रहे होंगे, उसको एक्सेस कर पा रहे होंगे। बट गाइज, अभी आज के लिए आप पूरा बिंदास को खेल सकते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, कोई भी नहीं रुकेगा और आप चलता रहेगा। बट गाइज, आने वाले कुछ टाइम में, शायद मे बी कल से या एक दो दिन बाद, गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन जो होगा, या कुछ डे बाद होगा, या फिर कल से हो सकता है, पबजी जो है आपका नहीं होगा और इंडिया के जो सर्वर्स हैं पबजी के, वो बैन कर दिए जाएँ बिकॉज ऑफ इट रिलेटेड टू द चाइनीज़ एप्लीकेशन। उसमें पूरा जो है चाइनीज़ का नहीं है, और उसमें कुछ शेयर्स हैं जो चाइनीज़ एप्लीकेशन के साथ जॉइंट हैं, तो इसलिए शायद पबजी को बैन कर दिया जाएगा यहाँ पर पे इंडिया पर, और उसके सर्वर्स को जो है लॉक कर दिया जाएगा, जिससे कि कोई भी पबजी प्लेयर एक्सेस ना कर सके। तो गाइज, आशा करता हूँ आप लोग को ये बात पता चली हुई होगी। और गाइज, उसी की नहीं, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, मेरे पास जो है सीधे सीधे यहाँ पर लिस्ट है पूरे 117 एप्लीकेशन की जो पबजी के साथ बैन हुए हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। तो गाइस, उसमें बहुत सारे क्लीनर्स वगैरह आप ऐप उसके, और बेडू बेडू क्लीनर, फेशियल, बहुत सारे एप्लीकेशन जो हैं, वीवो, स्मॉल क्यूब, टेंसेंट के, मेन जो था वो टेंसेंट की वजह से यहाँ पे पबजी को बैन किया गया है इंडिया के अंदर, क्योंकि पबजी जो है, टेंसेंट जो है ग्राफिक कंपनी है जो कि पबजी को ग्राफिक्स प्रोवाइड कराती है, और वो एक चाइनीज़ कंपनी है, इस वजह से पबजी को यहाँ पर बैन किया गया, जिसमें पबजी भी यहाँ पर मौजूद है और पबजी मोबाइल लाइट भी। तो और भी जो भी गेम्स हैं जो चाइनीज से रिलेटेड करते हैं, उनको सबको बैन कर दिया गया है इंडिया में। अभी तो आप एक्सेस कर पाओगे उसको, बट ये नहीं पता आप कितनी देर तक उसको एक्सेस कर पाओगे। शायद कल से ये सब एप्लीकेशन को बंद कर दिया जाएगा, और या फिर एक दो दिन में इसके ऊपर कोई भी जो भी न्यूज़ होगी वो आ जाएगी कि कब से जो है एक्सेस में बंद हो जाएगा, तो उनके सर्वर्स को लॉक कर दिया जाएगा। बस आज की न्यूज़ में इतना ही था गाइज। आप लोग को अगर कोई भी न्यूज़ मिलती है, मुझे कोई न्यूज़ मिलेगी इस बारे में, तो मैं जरूर लाऊंगा, जरूर कोई ना कोई न्यूज़ आएगी तो मैं बताऊंगा। तो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।